आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स आपका नज़दीक है और इसी को देखते हुए दृष्टि आईएएस ने आपके 5 मॉडल पेपर निकाले हुए हैं। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के, जिसे आप लोग जीएस भी कह देते हैं। तो पहला हम लोग मॉडल पेपर देख चुके थे, इस क्लास में हम लोग दूसरा देख चुकेंगे। और याद रखिए, इसके मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब से नया पाठ्यक्रम आपका आया हुआ है उसके बाद पहली बार ये पेपर होने जा रहा है प्रीलिम्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, अगर पहले वाला नहीं देखा है तो आप लोग देखते रहिएगा। ये मॉडल पेपर सेकेंड है और आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा। क्या होगा? अल्फाबेट। जो व्यक्ति ट्विटर पर ब्लॉग लिखता है उसे कहा जाता है, जो व्यक्ति ट्विटर पर वेलॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्वर, सर्वर, ठीक है। और याद रखिए, आप देखेंगे इस तरह के सरल क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है कई बार, समझ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारे सामने, निम्नलिखित में से हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है। हेलीकॉप्टर मनी आप लोगों ने शब्द समाचारों में कई बार सुना होगा, इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नोट छापकर सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना, जिससे क्या होगा कि आपके हाथ में अगर पैसा आ जाएगा तो आप मांग को एक तरह से जन्म देंगे। आप उस पैसे को रखेंगे तो नहीं, आप लोग बाजार जाएंगे खरीदेंगे। इससे क्या होता है कि आप समझेंगे कि जो बाजार सुस्त पड़ चुका है, ठप पड़ चुका है, उसमें गति दोबारा चालू हो जाती है। अब आप कोरोना महामारी को देख लीजिए, कई लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए, अब पैसा नहीं है। अगर उनके हाथों में पैसा आएगा तो आप देखिए उन्हें वो मांग को एक तरह से डिमांड को जन्म देंगे और बाजार फिर से चालू हो जाएगा। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि क्यों थी? क्योंकि आप जानते हैं कि GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 240 में ऐसे मामलों के लिए अपर्याप्त था, इसीलिए आपने देखा संविधान संशोधन भी हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस तरह की समितियों से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तारापुर समिति। तो इसमें आप देखेंगे कि यह पूंजी, पूर्ण पूंजी लेखा सापरिवर्तनीयता से, डी ऑप्शन आपका सही होगा, 5 में D। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे आप लोग शॉर्ट में AIIB भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में, ठीक है। इनमें हम लोगों ने बड़े विस्तार से कवर किया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि संस्थाओं से क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस आते रहते हैं हर बार, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई थी, उसी में डले हुए हैं। 7वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के चरण भारत में, ये विशेषताएं हो गई आपकी, तो इसमें क्या देखेंगे आप लोग? पहला चरण 1901 से लेकर 1921 का चरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि, ठीक है। फिर आपका देखेंगे आप लोग 1921 से 1951 का चरण क्या कहलाता है? ये आपका स्थिर, क्या कहलाता है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि।
1951 से 81 का, इसे क्या कहते हैं? इस समय आप देखेंगे आजादी के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी, तो इसे आप लोग जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि, जैसे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली उसके बाद आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ना शुरू होता है, और कितनी तेजी से बढ़ता है ये आप सभी जानते होंगे। और 1981 से लेकर अभी तक की अवधि को किस नाम से जानते हैं? गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि। तो आप लोग जनसंख्या जो जनगणना होती है ना, उसे आप लोग बड़े विस्तार से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन से भी दो चार बार पूछ लिया है आपका कि सबसे पहले जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में, कब? 1872 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नियमित और दशकीय जनगणना कब हुई थी शुरू, तो लॉर्ड रिपन के समय में, ये 1881 की बात है। ठीक है, इन दोनों डेटों को याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपकी समिति हो गई, इनकी अध्यक्षता हो गए, अध्यक्ष हो गए, इनमें से सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, भीमराव अंबेडकर, ये गलत है आपका। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल आपका सही है। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर कौन है? ये आपके डॉक्टर के एम मुंशी साहब, इन्हें भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं इन समितियों से, तो इन्हें आप लोग बड़े अच्छे से एक बार, एक से दो बार जरूर देख लें जरूर, क्योंकि आप देखेंगे हर बार इनसे क्वेश्चंस एक दो आपके आते रहते हैं, बिल्कुल क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। आप लोग आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर के साहब के बारे में बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि जो आपका प्यारूप समिति थी ना, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर साहब। और संचालन समिति, आप लोग यहाँ कुछ सुन लीजिए, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारूप समिति, इसके आप देखेंगे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति, ए एन सिन्हा। मूल अधिकार उप समिति, जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के एम मुंशी। इन सबको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आप देखेंगे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य। यानी कि 10 में आप डी लगाएंगे। 10 में क्या लगाएंगे? डी। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में भेद मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये नहीं है आपका, डी नहीं है इसमें, डी आपका मूल कर्तव्य नहीं है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि 11 मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आप देखते हैं 51A में जोड़े गए हैं आपके। 42वें संविधान संशोधन सुना होगा आप लोगों ने, 1946 में, भाग 4 का में। ठीक है, तो उसमें आपके मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे। बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित था, ये किससे था? तो ये था आपका साइबर क्राइम से, किससे
क्योंकि आप देखिए इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया है। तो ये है आपका 22 मई 1955 को, 22 मई 1955, क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है अगला, भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये तो आप लोग मालूम होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चौदह में ए। 15, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसमें आपके दोनों सदनों का में मतभेद हो। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, लेकिन यहां आप लोगों को दो पॉइंट और याद रखना है। इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति साहब। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इन दोनों को में फर्क आपको याद रखिए, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है 16, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है क्या सही नहीं है? आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, ये आपका गलत है। कागज का सबसे पहले चलन आपका चाइना में हुआ था। रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या गलत है? सी ऑप्शन, 16 में सी होगा आपका। 17, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये आपका चचाई जलप्रपात है जो आप रीवा के पास देखेंगे। ठीक है, माफ करिएगा, इसमें चचाई नहीं, आपका बहुटी जलप्रपात होगा। क्या होगा? बहुटी जलप्रपात। अगर इस तरह की कहीं गलती कर देता हूं तो आप लोग बता दिया करिएगा, ठीक है, गलती हो जाती है। बहुटी जलप्रपात, और आप सभी जानते हैं कि ये सेलर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और आप जानते हैं टॉन्स नदी की सहायक नदी है ये, और चचाई जलप्रपात के पास आपको देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई मानी जाती है वही 550 फीट के आसपास, या आप देखेंगे 198 मीटर के आसपास। ठीक है, बहुटी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आप सभी जानते हैं सरस्वती को, किसे? सरस्वती माता, सरस्वती नदी को। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ये दर्शन हो गए, ये प्रणेता हो गए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, और उपयुक्त युग्म में से कौन सा सुमिलित है? क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? इसमें केवल आप देखेंगे, इसमें क्या है, सांख दर्शन, ये आपके कपिल से संबंधित है। कपिल का मतलब ये कपिल नहीं, कॉमेडी शो वाला कपिल नहीं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना चाहिए आपको, सांख दर्शन, कपिल इसके प्रवर्तक हैं। और न्याय की बात करें तो याद रखिए न्याय के हैं गौतम, कौन है? गौतम। और योग के पतंजलि, तो आपका एक सही है और दो और तीन गलत है, बिल्कुल। ठीक है, तो न्याय के कौन है? गौतम, और योग के ये पतंजलि। तो इसमें आप लोगों का एक सही है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, देख लीजिए। ए ऑप्शन इसमें लगाएंगे आप लोग 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है और बाकी तीन का होगा, ये भी क्लियर है। तो वैशाली का है, चंपा का है, पावापुरी का है,
लेकिन लुम्बिनी का नहीं है। महावीर की पूछ रहा है, बुद्ध की पूछता तो आपसे लुम्बिनी था, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं है सही। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखिए सही नहीं है पूछ रहा है जानदा, तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इस काल में बलाश्रम वृष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुई हुआ, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का अधिपत्य था, ये भी आप सही देखेंगे। महरौली शिलालेख पर इंगित करता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, ये भी बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये आपका गलत है। क्या है इसमें, आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। 21 में डी। 22 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, एक नहीं होगा बाकी होंगे सभी। तो इसमें बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, आप देखते हैं कि सुनामी आती रहती है। म्यांमार की का तटीय क्षेत्र, बिल्कुल सही है। गुजरात का काठियावाड़ तटीय क्षेत्र, ये आपका गलत है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, 22 में सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है। अगर है तो आपसे ए बी दोनों सही होते। क्वेश्चन है 23, सूची एक में विभाग दिए गए, सूची दो में आपके संबंधित पद दिए गए, ठीक है। मध्यकाल में आपने देखे होंगे बने हुए पद हैं सब। सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज, विधि विभाग दीवान ए रसालत, पत्ताचार विभाग दीवान ए इंसा, कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही। तो इसमें क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज के नाम से, विधि विभाग दीवान ए रिसालत, पत्ताचार विभाग दीवान ए इंसा, कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बंगाल के नवाबों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो आप सभी को याद होगा, मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, अली वर्दी खां, फिर आप देखते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला कभी कभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करना है आपको और उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा तिथि के क्रम, यानी कि तिथि के अनुसार उनका क्रम आरोही क्रम अनुसार सही होगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो चंपारण होता है, फिर आप देखेंगे क्या होता है, मोपला विद्रोह होता है, फिर आपका बारदौली होता है, फिर आपका नमक सत्याग्रह होता है, सबसे बाद में नमक और सबसे पहले आपका चंपारण, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, 25 में बी। 26, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात करना है, तो इसमें आप देखेंगे तो आप जानते हैं रोलेक्ट सत्याग्रह आता है, फिर असहयोग आंदोलन, फिर आप देखते हैं उसके बाद चोरी चोरा कांड होता है, फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है। रोलेक्ट सत्याग्रह को आपने देखा होगा काला कानून भी कहा जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध ये तो आप लोगों को याद होगा, 14 जनवरी 1761, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली से बना हुआ है, ये आप देखेंगे, किससे बना हुआ है,
नागर शैली में, किसमें? नागर शैली में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये तो भी आप लोगों को मालूम होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत सुरक्षित बनाए रखिएगा, सबसे ज्यादा यही होता है। शिवपुरी स्थित सिंधिया शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी गुलाबी लाल रंग का वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। संगमरमर से सुसज्जित वर्तमान में यह भारत का सरकार का CBI प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ देखने को मिलेगा ये? ये आप देखेंगे आपका माधव विलास पैलेस। आप समझ रहे हैं, माधव विलास विलास पैलेस। तो ऐसे भी याद रखिए, बी ऑप्शन होगा आपका 30 में, बी नहीं डी। बी किस लिए बोल रहा हूं? मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र तो जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों का क्षेत्र माना जाता है? तो ये मालवा 31 में, बी 31 में बी। क्वेश्चन नंबर 32, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। तो तीन सत्य होंगे, एक गलत होगा। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में ग्राम की तो मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है? बिल्कुल सही है। पंचायती व्यवस्थाओं की तीनों स्तरों पर एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है? ये भी बिल्कुल सही है। मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष देखिए इसमें न्यूनतम आयु रखी गई है लड़ने के लिए, और आपकी 18 मतदान। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो इसमें आपका डी होगा, ठीक है? क्या होगा? डी होगा। 33 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीन सही होंगे और आपका एक गलत होगा। एवं भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए? बिल्कुल सही है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल सही है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता किसी दल के एक तिहाई सदस्यों के विलय के मामले में लागू नहीं होता है? बिल्कुल सही है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देश किया जाते हैं? ये आपका गलत है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी लगाओगे। और याद रखिए, दल बदल कानून भले ही आ चुका हो, नेता आप समझिए कि सब उपाय निकाल लेते हैं। एमपी में भी तो देखा आपने, कुछ समय पहले सरकार गिरी, फिर से बन गई, ये चलता रहता है नेताओं का। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणुओं के बीच बंधों के निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा, 34 में आपका बी। क्वेश्चन नंबर 35, डिटर्जेंट साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे अद्रक एजेंट कैसे काम करते हैं? तो मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं और ताकि ये अंदर तक धस करके मैल को बाहर निकाल सकें। यानी कि 35 में आपका ये होगा, बिल्कुल सही। 36, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती हैं? तो ये इसमें आप देखेंगे एक्स किरणें। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए कम से कम पहली बार सही पूछा है, तो इसमें एक सही होगा, बाकी तीन आपके गलत होंगे। तो सही कौन सा है इसमें? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है? बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है? बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं सूर्य और तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत होती है? बिल्कुल सही है। चलिए इसमें आपके उपयुक्त सभी हैं, सही है, कोई भी गलत नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तीन गलत होंगे एक सही होगा, तो इसमें आपका डी, यानी कि सभी आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये आप लोग जब वोट डालने जाते हैं ना तो उंगली पर आपके लगाया जाता है, उसी की बात की जा रही है। तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है,
ठीक है। क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं लाया गया है? तो इसमें आप देखेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग आया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये नहीं आया है आपका, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी आया हुआ है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र ये भी आया हुआ है। यानी कि ए सी डी ये तीनों आए हुए हैं लेकिन बी नहीं आया हुआ है, तो इसमें नहीं पूछ रहा था, तो बी आप लोग लगाएंगे। जैव सूचना विभाग विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आप देखेंगे किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। 40 में आपका बी होगा, 40 में बी। क्वेश्चन होगा 45, 40 के बाद 41, बड़ा जल्दी पढ़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया गया? मालूम है परम शिवाय, परम शिवाय आप जानते हैं कि एक तरह से भोले नगरी माना जाता है शंकर की, तो आप लोग इस तरह से आप लोग किसी भी तरह से इसे याद भी रख सकते हैं। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी, पैसे की बात की जाती है लक्ष्मी। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार मालवा का पठार, क्या मालवा का पठार। नागवंशीय राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पद्मावती, पद्मावत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। 44 में ए। चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट सुमिलित नहीं है, पूछ रहा है, सुमिलित नहीं है। मनसुखा बघेलखंड में, स्वांग बुंदेलखंड, गम्मत निवाड़, कर्मा महाकौशल। इसमें आपका डी होगा गलत, क्या पूछ रहा है, सुमिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आप लोग लगा के आएंगे। 45 में डी। 46, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, कौन है, मध्य प्रदेश, और पहले नंबर पर राजस्थान। देखिए जब तक आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, तब तक मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता था, ठीक है, अब राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में, भोपाल आपकी राजधानी भी है। ग्रेफाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला काफी प्रसिद्ध है, ये आप सभी जानते हैं, बैतूल है, डी ऑप्शन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी शहीद तात्याटोपे की समाधि कहाँ देखने को मिलेगी? ये शिवपुरी में। बड़े सरल ही क्वेश्चन हैं आपके। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? राजा भोज, महाराजा पृथ्वी सिंह, राजा मधुकर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आप लोग लगा के आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या, तो ये आप सभी जानते होंगे, 7,26,26,809। और अब आप देखिए 2021 के जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद बदल जाएगी क्योंकि बढ़ती रहती है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम, और आप सभी जानते हैं मलखम अकेडमी कहाँ है, ये आप लोग बताइए नीचे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो सुभाष यादव नहीं रहे हैं, और पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कौन थी, ये आप लोगों को नीचे बताना है, ठीक है। मोतीलाल बोरा रहे हैं, सुंदरलाल पटवा रहे हैं, कैलाश चंद्र जोशी रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है? 230। कितनी? 230। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11। अगर गलत बताई हो तो बता देना, वैसे तो मैंने सही बताई हुई, तो डी, इसमें डी, ठीक है। अगला है 55, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है?
तो ये आप सभी जानते हैं कि सभी दिए जाती, कालिदास भी, तानसेन भी, तुलसी सम्मान भी। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। किस देश की लगभग 25% पुलिस वर्ष 2030 तक रोबोकॉप पर आधारित होगी? तो ये आप याद रखना होगा आपको, यह अमेरिका, कहाँ की है? अमेरिका, यूएई, चीन, जापान। तो इसमें आप देखेंगे यूएई, दुबई। दूर संचार विभाग निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण प्रभावी हुआ कब से आया? तो ये आप देखेंगे 24 जनवरी सन 2000 से। निम्नलिखित में से कहां पर नैसकॉम का क्षेत्रीय कार्यालय है? तो ये आप देखेंगे बेंगलुरु में अभी आपको देखने को मिलेगा, या आपको चेन्नई में भी, हैदराबाद में, यानी कि उपयुक्त तो सभी डी ऑप्शन लगाएंगे। ईथरनेट का विकास किया गया है, ये आप रॉबर्ट मैट कैफे द्वारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दे दी, यह संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ये किससे संबंधित है, नए संसद भवन के निर्माण से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, आपके भी है, हमारे यहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान और द्वीप निकोबार द्वीप को पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं 10 डिग्री उत्तरी चैनल, नॉर्थ चैनल, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का वर्तमान अध्यक्ष तो राजकिशोर सुहान, ये बदलते रहते हैं इसलिए आप लोग करेंट से जरूर जुड़े रहना। 64, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि वहां से शुरू होगा और वहीं पर खत्म होगा। 65, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को, यानी कि मिट्टियों को, उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो 65, इसमें लेटेराइट मृदा, फिर आप देखेंगे काली मृदा, फिर आप देखेंगे आपकी लाल मृदा, फिर आपकी जलोढ़ मृदा, यानी कि ये ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है आपका 66, भारतीय वन एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है आपको, क्या करना है, सही करना है। वन हो गए, अवस्थिति हो गई इनकी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये आप देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के भाग देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये आप देखेंगे पश्चिमी घाट का विस्तृत चित्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा रंगपुर पठार और शिवालिक के प्रमुख भाग देखने को मिलेंगे। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये आप देखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय भाग और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग में देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये हिमालय के निचले भाग में की तराई में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए इन्हें क्या करना है आपको, कि डाउनलोड कर लेना इन पेपरों को, और टेलीग्राम पर भी डाल दिए मैंने, तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप लोग आराम से बैठ के इन्हें देखते रहना, लगाते रहना, हाथ के साथ आपका पेन भी चलता रहेगा तो आप लोग बड़ा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। जल विद्युत परियोजनाएं हो गई, ये नदी हो गई, किस नदी पर है ये पूछ रहा है। मैथन परियोजना, ये आपकी मैथन परियोजना है आपकी बराकर नदी पर। सलाल परियोजना, ये आप देखेंगे ये आपकी चेनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना, ये आपकी चंबल नदी पर। टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पर। तो इसमें आपका क्या होगा, डी, 67 में डी। क्वेश्चन है 68, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आप सभी जानते हैं 1974 की बात है, सी ऑप्शन।
भारत में सोडिंग चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग की दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? मुंबई दिल्ली, मुंबई नीचे दिल्ली ऊपर, ठीक है? तो आपका 79 में बी, माफ करिए, इसमें ये आपका कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई तो आपका पास में पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु नीचे आपको देखने को मिलेगा सबसे लंबा, ठीक है? तो इसमें आपका बी, कभी कभी ध्यान भूल, खैर छोड़िए, आप लोग अब क्या करें। निम्नलिखित में सर्वाधिक लवणता किस महासागर में देखने को मिलेगी आपको? तो इसमें होगा आपका मृत सागर। क्या होगा? मृत सागर, इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा है। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है आपको, और सूची एक में आपके ज्वालामुखी पर्वत हैं, और ये देश किस देश में है ये आपको बताना है। मौना ये फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए, चिमरोजी इक्वाडोर, माउंट हेगला आइसलैंड। फिर से देख लीजिए, मायोना फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए, चिम्बोरेजो इक्वाडोर, माउंट हेगला ए आइसलैंड। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है? क्या होगा 71 में? बी। 72, क्वेश्चन नंबर 72। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, ये आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और ये अवस्थिति हो गई इनकी। चक्रवात, भारत में आप लोग इसे चक्रवात के नाम से जानते हैं, हरिकेन यूएसए, टाइफून पूर्वी एशिया, बिलीज ए ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका बी, चक्रवात भारत, हरिकेन यूएसए, टाइफून पूर्व एशिया, बिलीज ए ऑस्ट्रेलिया। 73, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है? कहाँ नहीं है? तो याद रखिए, भोपाल में है, चेन्नई में है, पुणे में है, देहरादून में नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे? ये ऑप्शन। 74, निम्नलिखित में से किस किस संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये आप तो बड़े अच्छे से मालूम होगा, ये आपका नाइट्रेट के कारण। 74 में आपका सी, मध्य प्रदेश के किस के जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, डिंडोरी। आप लोग बताइए, डिंडोरी किस जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति साहब के पास। निम्नलिखित में से युग्मों में से सही सम्मिलित हैं, कौन कौन से सही सम्मिलित हैं आपके? अल्फा विविधता, यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता की को दर्शाता है। बीटा विविधता, यह एक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्रों की पूर्ण संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। गामा विविधता, यह विभिन्न पारितंत्रों के बीच प्रजातीय विविधता को दर्शाता है। तो इसमें सही कौन सा है? केवल एक, अल्फा विविधता, यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है अगला 78, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। प्रथम विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार, बिल्कुल गलत है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। 78 में सी,
79 सम्मान योजना संबंधित है, ये महिलाओं महिला अपराध उन्मूलन से, ठीक है, महिलाओं से एक तरह से। हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, तो याद रखिए संदीप अग्रवाल। ये भी बदलते रहते हैं, देखिए अध्यक्ष कभी भी कोई भी चेंज होता रहता है, इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप लोग किसी न्यूज पेपर से जुड़े रहें। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर युग्म को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ग्वालियर और ओरछा। ओरछा अब आपका निवाड़ी जिले में पड़ता है, आपको मालूम है जो नया निवाड़ी जिला बना था 52। 2021 को चोरी चोरा घटना के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया, इस घटना का संबंध किस राज्य से है, तो इसे भी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद गुजरात में निम्नलिखित में से किसने दुनिया के सबसे बड़े अत्याधुनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, तो आप देखेंगे रामनाथ कोविंद साहब ने, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 84, वर्ष 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा क्रमशः, तो याद रखना चाहिए आपको कतर और सऊदी अरब। 2030 में आपके कतर और 2034 में सऊदी अरब, सोचिए कितने लंबे समय में पूछ लिया। 85, 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ये आप देखेंगे 63वां, कौन सा 63वां। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल साहब के द्वारा, राज्यपाल किस लिए नियुक्त किए जाते हैं, यही तो काम होते हैं। निम्नलिखित में से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग गठन का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो याद रखिए यह आपका 315, क्या है 315। क्वेश्चन है हमारे सामने 88, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त हो, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला नियुक्त करना आवश्यक है, तो याद रखिए इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से अब भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और इसमें आपका बीसी सही है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा पहले हुआ करता था, लेकिन अब आप देखते हैं कोई भी अगर कोई अन्य न्यायाधीश है वो भी बन सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, किस सन में, ये आप जानते हैं कब, 1993 में। क्वेश्चन हमारे सामने 90, निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने ले लिया है, तो ये आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे सामने नवंबर 2020 में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो ज्ञानेंदो निगोमबाम, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 92, अगस्त 2020 में मध्यप्रदेश के किस मध्यप्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया, तो ये कौन थे, ये थे इनाम उर रहमान, ठीक है। फरवरी 2019 में आयोजित विश्व मलखम प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पूजा मालवीय मध्यप्रदेश के किस स्थान से संबंध रखती हैं, तो ये उज्जैन से। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है, ए नारंग कप, कौन सा नारंग कप। हाल ही में देहरिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया गया है, किस प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका असम में, कहां असम में, ठीक है। अगला है हमारे सामने 96, नाइजीरिया जीरियाई अर्थशास्त्री एन जो गोजी ओकोंजो इवीला को किस संस्था का अंगली महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए विश्व व्यापार संगठन।
अर्थशास्त्री, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। मई 2020 में किसने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिए 21 में ली है, अभी तो चुनाव हुए थे ना पश्चिम बंगाल और आपके बाकी राज्यों में, पश्चिम बंगाल असम, तो याद रखिए 21 होगा। जब नारा लग रहा था कि 2 मई दे दी गई, तो वो फिर आपने देखा ममता बनर्जी ने काफ़ी अच्छी जीत भी हासिल की है और 3 बार लगातार कोई महिला मुख्यमंत्री बन रही है। और आप देखेंगे पहले अभी करंट में आप देखें तो किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है पश्चिम बंगाल को छोड़कर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन। हाल ही में मध्य प्रदेश में बजट 2021-22 को किसने विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो जगदीश देवड़ा, यहाँ के वित्त मंत्री हैं ये, और आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है ये आप लोग बताइए। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी थी? तो ये आप सभी जानते हैं 1983 की बात है, ठीक है, तो पहली बार 1983, तो ये ऑप्शन 100 में सही होगा। चलिए इन्हें देख लीजिए आप लोग 1 से 2 बार और निकल जाइएगा और पेपर दीजिए। अच्छा चलिए, हम लोग मिलते हैं तीसरे मॉडल पेपर में।